बड़ी खबर आ रही है, और ये जो बड़ी खबर है इंडिया गठबंधन के भीतर से आ रही है, इस बार नेता विपक्ष बनने वाले नंबर्स कांग्रेस पार्टी ले आई है, और इसीलिए नाम सामने आ रहा है राहुल गांधी का। बहुत मुमकिन है राहुल गांधी नेता विपक्ष बने। राहुल गांधी को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है, नेता विपक्ष बन सकते हैं राहुल गांधी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने की बात की जा रही है, या फिर राहुल गांधी ने भी इसको लेकर रजामंदी दे दी है? क्योंकि हमने कई बार देखा है राहुल गांधी का नाम पार्टी के नेताओं की तरफ से आगे किया जाता है किसी जिम्मेदारी के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर वो पीछे और हट जाते हैं। जैनेन्द्र, देखिए रोमाना, इससे पिछला वाकया मुझे याद नहीं है कि कब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई और वो पीछे हट गए। वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे और जब 2019 में उनकी अगुवाई में पार्टी नहीं जीत पाई तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो कोई किसी पद की बात ही नहीं आई। बहरहाल 2014 और 2019 लगातार पिछले दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इतने सांसद ही नहीं थे कि आधिकारिक तौर पर कोई नेता विपक्ष चुना जा सकता, लेकिन इस बार 99 सांसद जीत कर आए हैं। आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी का होगा और कांग्रेस में उच्च स्तर पर यह विचार चल रहा है कि राहुल गांधी को इस बार नेता विपक्ष बनाया जाए, और कई सांसदों ने इसको लेकर के मांग रखी है। कुछ सांसदों ने तो सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने की पैरवी की है। हमारे सूत्रों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है। हालांकि देखिए, आखिरी फैसला जो है वो जाहिर सी बात है राहुल गांधी का होगा, और उनका मन क्या है इसको लेकर के कोई संकेत नहीं है, लेकिन संभव है, मुमकिन है। हमारे कांग्रेस के उच्च सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करते हुए नजर आए और वो नेता विपक्ष के तौर पर चुने जा सकते हैं। जल्दी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें इस पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आते हैं या नहीं, लेकिन किस तरीके से ये मांग पार्टी के भीतर से उठ रही है। पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट है, और किसका पोस्ट है देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं मणिकम टैगोर, उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं, आई सॉट वोट्स ऑन द नेम ऑफ माय लीडर राहुल गांधी, मैंने वोट जो है अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर मांगा, आई थिंक ही शुड बी द लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनना चाहिए, आई होप इलेक्टेड कांग्रेस MPs ऑल्सो थिंक द सेम, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के चुनकर सांसद आए हैं वो भी यही सोच रहे हों। लेट्स सी हाउ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड्स, देखते हैं कि कांग्रेस का जो संसदीय दल है उसका इस पर क्या रुख रहता है। वी आर आर डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये जो मांग है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर से की जा रही है, लेकिन क्या ये हो पाएगा, ऐसा मुमकिन होगा? बादल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए, अभी जो आपके सहयोगी बता रहे थे कि 2019 से पहले जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो लगातार 3 विधानसभाओं में उन्होंने विजय दिलाई थी अपनी पार्टी को, और 2 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे जो योगी की जगह खाली हुआ था, और डिप्टी सीएम जो थे उनकी जगह चुनाव जो हुआ था फूलपुर वाला गोरखपुर वाला गठबंधन जीता था। तो अब हम हाल के वर्षों में ये देख रहे हैं कि राजीव गांधी की दिलचस्पी पद लेने में कम है राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं सर, ये हाल के वर्षों में नहीं है, मुझे तो यूपीए 2 का भी ध्यान आता है जब ये कहा जाता था कि राहुल गांधी को मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए, कोई मंत्रालय लेना चाहिए, वो तब भी आगे नहीं आते थे, और इसी वजह से मैंने अपने सहयोगी से भी सवाल कि संभवतया वो अखिलेश यादव को इस बात के लिए आगे कर सकते हैं। जल्दी से राकेश शुक्ला जी, आपका आंकलन? देखिए, जैसे पद लेने की बात जो की जा रही है, मेरा मत ये है कि राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने से हमेशा बचे हैं, और यदि वो ये जिम्मेदारी लेते हैं तो भविष्य की राजनीति के लिए उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और यूपीए गवर्नमेंट के समय पर उनको केंद्रीय मंत्री बनाने की जो बात हुई थी, यदि वो ले लिए होते तो आज परिपक्वता में वो बहुत अधिक होते, मतलब राजनीति के लिए बेहतर होगा। लेकिन राहुल गांधी ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर हमारी नजर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।